हम अपने फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे, कल हमने किया था और हम आज आगे की ओर बढ़ते हैं। खासकर हमने कल बात की थी बाबर और हुमायूं के बारे में, कुछ बात की थी और हमने बात की थी कि जो वंशज है मुग़ल कौन से वंशज से समझ रखते हैं, तो ये कुछ हमने बात रखी थी। आज हम अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अकबर से स्टार्ट करेंगे हम। तो अब आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स रहेंगी हमारे लिए भी। अकबर वाज 13 ईयर्स ओल्ड वैन ही वाज बिकम एम्परर। हिज राइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 13 साल की उम्र में वो शासक बना था और उसके जो साम्राज्य को हम तीन प्रकार के पीरियड्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले 1556 से 70 अकबर बिकम इंडिपेंडेंट्स ऑफ द रेजेंट्स बेरम खान एंड अदर मेम्बर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। उसके बाद क्या कि भी जो है बेरम खान के नेतृत्व के अंदर उसको क्या है कि भी एक राजा घोषित कर दिया गया था या और उसके जो डोमेस्टिक स्टाफ के बाद है। मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द असुरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ द मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड द उज़्बेकस। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज एंड इन 1569 रणथंबोर। उसके बाद क्या हुआ है कि भी जो मिलिट्री कैंपेन की बात करते हैं, उन्होंने क्या जैसे सूरी थे और अफगान्स थे उनके खिलाफ क्या अपने आसपास के जो नेबरिंग किंगडम थे उनके ऊपर उन्होंने क्या आक्रमण किया। इसके अलावा जो मालवा का पठार है वहाँ का जो साम्राज्य था, फिर गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था तो उस क्षेत्र को भी क्या है मतलब वहाँ पर भी आक्रमण किए हैं। इसके अलावा जो है एक उसके जो भाई थे जो मिर्जा हाकिम रहे हैं उनको उन्होंने भी क्या विद्रोह छेड़ दिया था अपने भाई के खिलाफ, तो उसको भी दबाने का प्रयत्न किया। उसके साथ साथ जो एक और दूसरा उनका ग्रुप था उज़्बेकस जो मुग़लों का, उनके साथ भी इन्होंने लड़े हैं भाई। और 1556 के अंदर क्या किया इन्होंने, सिसोदिया कैपिटल को बना दिया चित्तौड़ के अंदर, उसको सीज कर लिया गया था राजस्थान के अंदर। और 69 के अंदर इन्होंने रणथंबोर राजस्थान में अपना नियंत्रण स्थापित किया था भाई। 1570 से 85 के बीच मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय द कैंपेन इन द ईस्ट इन द बिहार बंगाल एंड उड़ीसा। दिस कैंपेन वर कम्प्लीसेटेड बाई द रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम। उसके बाद क्या है कि भाई कुछ मिलिट्री कैंपेन रहे हैं विशेष तौर पर, जैसे कि बिहार के अंदर या फिर आप गुजरात कह सकते हैं, बंगाल या उड़ीसा के अंदर इन्होंने चलाए गए हैं। और ये जो हमारे जो है मतलब ये किए गए हैं, ये रिवोल्ट था जो सपोर्ट मतलब क्या है जो सपोर्ट कर रहे थे मिर्जा हकीम को जो विद्रोह के द्वारा, तो उनके खिलाफ आप कह सकते हैं ये अभियान चलाया गया था भाई। उसके बाद थर्ड है 15685 से 1605 एक्सप्लेनेशन ऑफ द अकबर एम्पायर्स सॉरी एक्सपेंशन ऑफ द अकबर एम्पायर। कैंपेन वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट क्या है कांधार वाज सीज फ्रॉम द सफीविद कश्मीर वाज एन एग्जिट एंड आल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम। कैंपेन इन द डक्कन स्टार्टेड एंड बेरार खानदेश एंड पार्ट ऑफ द अहमदानगर वर एग्जिट। देखो यहाँ पर वैसे तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना तो पड़ेगा हमें कि अकबर ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया, इसके अलावा जो है सैनिक अभियान उन्होंने चलाए हैं नॉर्थ और पश्चिम क्षेत्रों के अंदर। जैसे कि सब ये क्षेत्र आपको याद करने पड़ेंगे कि भी जो है खानदार का क्षेत्र था उन्होंने सफीविद से कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद कश्मीर को अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा जो काबुल जो मिर्जा हाकिम थे तो काबुल को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, डेथ जो हुई थी मिर्जा हाकिम की। इसके अलावा जो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर भी उन्होंने क्या कई क्षेत्रों में भी क्या अपना नियंत्रण स्थापित किया था भाई। ठीक है, मोटे तौर पर हमें देखो ये सारी चीज़ें तो हमें याद नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी है जितनी आप कर सकते हैं आपकी कैपेबिलिटी है तो उतनी कोशिश करें आप याद कर पाएँ भाई। उसके बाद आए हैं जहांगीर भाई। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय द अकबर कंटिन्यू द सिसोदिया रूलर ऑफ द मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख डी होम एंड अहमदनगर फॉलो आउट। उसके बाद है कि जो जहांगीर हैं कोई ज़्यादा नहीं दिखाया गया इसके अंदर। अब इसमें क्या है कि जो मिलिट्री कैंपेन थे जो अकबर ने स्टार्ट किए थे वो सारे के सारे इन्होंने कंटिन्यू किए हैं भाई। उसके बाद जो है सिसोदिया रूलर्स रहे हैं मेवाड़ के अमर सिंह रहे हैं, इन्होंने क्या मुग़लों को अपना सा मतलब क्या मुग़लों के अंदर ये संरक्षित हो गए थे, उनके नीचे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा जैसे मुग़लों ने क्या कि भी सिख हैं ओहोम हैं इनके खिलाफ भी क्या अभियान चलाएं समय समय के ऊपर। आगे जो पढ़ेंगे आप चैप्टर्स तो उसमें इसके बारे में ज़रूर आएंगी ये बातें, ओहोम्स और सिख हैं इनके बारे में प्रॉपर चैप्टर्स हैं। तो हालांकि वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे जहांगीर के द्वारा जो अभियान चलाए गए अभी। उसके बाद नंबर आता है हमारे शाहजहाँ का, मुगल कैंपेन कंटिन्यूटी द डक्कन अंडर द शाहजहाँ दी अफगान नोबल खान जहान लोदी रेबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो मुग़ल कैंपेन है वो लगातार दक्षिणी भारत को कंट्रोल करने के लिए चले हैं
खासकर शाहजहाँ के समय में। तो अफ़गान नोबल व्यक्ति रहे खान जहाँ लोदी, उन्होंने क्या है कि भी रेबल्ट किया और वहाँ पे वो हार गया भी। कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेलाज वर डिफिटेड एंड और चार सीज्ड। उसके बाद कुछ और है भी, ये कैंपेन है वो लॉन्च किए गए हैं अहमदनगर के खिलाफ भी, और इसके अलावा जो है बुंदेलाज को भी उन्होंने हरा दिया है, और जो उर्चा है उसको मतलब क्या है कि दिया गया है सीज कर दिया गया था अभी। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज द बालकान फ्रॉम द उज़्बेकस वाज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वाज लॉस्ट टू द सफ़ीविद इन 1632। अहमदनगर वाज फाइनली एन एग्जिट एंड द बीजापुर फोर्स सूड फॉर द पीस। उसके बाद क्या रहा है कि जो है बालकान रहा है जहाँ से उज़्बेकस से लड़ाई लड़ी थी, तो हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहे उसको अपने दोबारा उसको सीज करने में। इसके अलावा जो कांधार है उनको भी जो है लॉस कर गए थे वो सफ़ीविद के खिलाफ, वो हार गए थे साझा। और 1632 में क्या भी अहमद नगर था जो उसको लास्ट में उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जे में लिया था, और बीजापुर को क्या कर दिया गया था भी एक संधि के माध्यम से भी उसको भी अपने नियंत्रण में लिया था। उसके बाद नंबर आता औरंगजेब का भी। इन द नॉर्थ ईस्ट द होम वाज डिफिटेड इन 1663। तो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट है वहाँ पर ओहम्स थे जो जनजाति है हमारी ट्राइबल ग्रुप से, उसको 1663 में हरा दिया गया था। बट रेबल्स अगेन इन द 1680s, लेकिन दोबारा से उन्होंने विद्रोह किया 1680 के अंदर। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जाई एंड सिक्स वर टेम्परेरी सक्सेसफुल। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर यूसुफ जाई और सिखों का जो साम्राज्य था उनके खिलाफ भी कोई मतलब इतने ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहे, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही मतलब हार गए थे। तो टेम्परेरी तरीके से क्या है वो थोड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाए और फिर उसको लॉस्ट भी कर गए। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत ऑफ द मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफटेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एक्सेप्टेड फ्रॉम आगरा एस्केप्ड फ्रॉम आगरा डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट किंग्स एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो कैंपेन थे जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर हमने बात की थी कि जो यूसुफ जाई और सिखों के साथ वो थोड़ा सक्सेस नहीं रहे, लेकिन जो मुगलों का हस्तक्षेप था वो हमारा वो लगातार बढ़ता रहा, और ख़ासकर जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी जैसे कि राठौड़ राजपूत की थी मेवाड़ की, तो उसमें घुसने की वजह से उन्होंने भी क्या कर दिया इनके खिलाफ क्या किया था, एक रेबेलियन छेड़ दिया था। इसके अलावा जो कैंपेन चले हैं महाराणा चीफ मतलब जो शिवाजी के खिलाफ चले हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं वो, लेकिन क्या हुआ कि भी जैसे ही औरंगजेब ने क्या है शिवाजी को पकड़ा था तो वो क्या वहाँ से बचकर भाग गए थे और अपने आप को एक इंडिपेंडेंस किंग के रूप में उन्होंने क्या स्थापित कर लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था अंग्रेज़ों के मतलब मुगलों के खिलाफ वापस उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था भाई। आफ्टर अकबर्स रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मी अगेन इन द दक्कन सल्तनत। जैसे अकबर ने रेबेलियन शुरू मतलब जो अकबर के विद्रोह के बाद, ये अकबर वो नहीं है जो इस अकबर जो इन मतलब इनके परिवार से संबंध रखता है, तो उन्होंने क्या अपनी आर्मीज थी वो दक्कन के अंदर भेज दी थी। बीजापुर वो एनेक्स कर लिया था 1681 में और गोलकंडा को 1687 के अंदर। 1698 में औरंगजेब ने क्या है कि भी मतलब अपने व्यक्तिगत तरीके से क्या है मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, मराठाओं के खिलाफ भी किया और गोरिल्ला वार भी लड़ी है जिसके अंदर क्या कभी वो मतलब छिप छिप के वार किए जाते थे, उनके ऊपर आक्रमण किया जाता था। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द नॉर्थ इंडिया द सिक्स चार्ट्स एंड सन सतनामीज। इसके अलावा क्या उत्तरी भारत के अंदर उन्होंने क्या है सिखों के साथ लड़ाई लड़ी, जट्स के साथ रही हैं और सतनामी रहे हैं उनके साथ भी आंदोलन बहुत बड़ी मात्रा में लड़े होंगे। उसके बाद क्या है कि भाई ये सिंपल सी बात है, ये एक पैटर्न दिखाया गया जो विशेष तौर पर जो प्रमुख मुगल रहे हैं तो उनके बारे में आपको डिस्कशन बताया गया। अभी बस भाई आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते, आपके लिए ही काम है कोई ज़्यादा नहीं है, आपके पेपर भी चल रहे हैं तो थोड़ा ही पढ़ेंगे आप लोग। आप लोगों ने क्या करना है विशेष तौर पर इनकी डेट्स याद करनी है, जैसे कि भी जो समय रहा है बाबर का 1526 से 1530, कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें आप इनमें से पिक कर सकते हैं तो आप उनको याद करें भी, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको अगले लेवल तक आपके काम आएंगी भाई। इसके अलावा और कुछ नहीं है, आगे जो पढ़ेंगे हम चीज़ें वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप अपने टेस्टों की तैयारी करते रहें।